नमस्कार किसान भाइयों, वर्ल्ड्स गिल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ धान के बीज की बुआई के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपको धान की अच्छी पौध मिल सके। इसलिए आज मैं भी अपने खेत में धान की नर्सरी लगाने वाला हूँ। तो धान की नर्सरी लगाने के लिए सबसे पहले आपको चयन करना होगा धान के बीज के लिए। आप धान का बीज आप हाइब्रिड भी लगा सकते हैं या फिर आप देसी बीज भी ले सकते हैं। धान के बीज की बुआई आप अप्रैल से लेकर जून अंत तक कर सकते हैं, तो आप इस समय के बीच में अपने धान की बुआई ज़रूर करें। तो किसान भाइयों, मैं अपनी धान की बीज की बुआई से 30 घंटे पहले धान के बीजों को पानी में भिगो के रखने वाला हूं। तो इसके लिए देखिए, मैंने अपने धान के बीज की देसी वैरायटी की बीज लिए हैं जिसकी 11-21 की वैरायटी है। ये आमतौर पर उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा बोई जाती है और मई और जून के बीच में इस वैरायटी की नर्सरी तैयार की जाती है। तो मैं आपको 11-21 की नर्सरी तैयार करके दिखाने वाला हूँ और साथ में मैं आपको बता देता हूँ आपको बीज की मात्रा क्या लेनी है। एक एकड़ के हिसाब से आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज लेना है, लेकिन मैं 3 बीघे की बुआई करने वाला हूँ। तो मैं इसमें नर्सरी रेडी करने के लिए 3 बीघे के हिसाब से 4 किलोग्राम मैं अपना बीज लेने वाला हूँ। और साथ में देखिए, मैंने लिया एक फंगिसाइड पाउडर। 100 ग्राम का है ये। इसका यूज करने से हमारे बीज में कीड़े और रोग मुक्त रहता है हमारा बीज। अब इस पाउडर यूज आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अपने पानी में मिलाकर डायरेक्ट आप इसमें बीज डाल दीजिए, या फिर आप अपने बीज को पहले पानी में भिगो लीजिए, उसके बाद जब बुआई करें उस टाइम इसमें फंगिसाइड पाउडर मिला के अपने बीज में और उसकी बुआई कर दें। इन दोनों में फ़र्क यह है, अगर फंगिसाइड का यूज आप बाद में करते हैं तो ये ज़्यादा असरदार नहीं होता है। पानी में भिगोने से ये काफ़ी असरदार होता है, क्योंकि पानी के साथ इसकी भी कुछ मात्रा बीज के साथ सोख ली जाती है। तो मैं अपने 10 से 15 लीटर पानी में अपना फंगिसाइड पाउडर मिला के इसको अच्छे से मिला लूँगा। मिलाने के बाद मैं अपने सीड्स को बड़े आराम से इसमें डाल दूँगा और डालने के बाद अपने किसी डंडे वगैरह से इसको चला के अच्छे से सीड्स को इसमें डुबा दूँगा। और डुबाने के बाद जो बेकार सीड्स होंगे यानी खोखले सीड्स होंगे, जो ऊपर सीड्स आएंगे, उनको मैं छन्नी वगैरह से निकाल के अलग रख दूँगा और इसको कम से कम 8 से या 12 घंटे तक इनको भीगने के लिए छोड़ दूँगा। 10 से 12 घंटे तक पानी में अच्छे से भीगने के बाद हमें अपने सीड्स को बाहर निकालना है। और सीड्स को बाहर निकालने के बाद हमें एक बोरी लेनी है, इसको अच्छे से पानी में भिगो लेना है। पानी में भिगोने के बाद हमें अपने सीड्स को अपनी बोरी के अंदर भर देना है। और भरने के बाद हमें ये ध्यान रखना है कि जब सी बोरी है वो हमारी थोड़ी गीली रहे, और इसको हम कम से कम 15 से 20 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इनमें अंकुरण हो जाए। और बीच बीच में बोरी को गीली करते रहें ताकि बीज सूखे ना और उनका अंकुरण अच्छा हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देने वाला हूँ, अगर आप हाइब्रिड बीज ले रहे हैं तो उनको आप अंकुरित ना करें, पानी से निकालकर 1 घंटा सुखाने के बाद आप उनकी बुआई कर दें। अगर आप देसी बीज लिया है तो आप उनको अंकुरित करके ही उसकी बुआई करनी चाहिए। अब मैं अपने बीज को बोरी के अंदर अच्छे से बंद करके इनको ऐसी जगह पर रख दूंगा जहाँ पे पानी की कमी ना हो हमारे बीज को, और उस पर पानी डालता रहूँगा और 15 से 20 घंटे के लिए ऐसे ही रख दूँगा। 20 घंटे बाद देखिए किसान भाइयों, जो मेरे धान के बीज हैं वे अंकुरित होना स्टार्ट हो गए हैं, और देखिए काफ़ी अच्छे अंकुरित हो रहे हैं, छोटे छोटे इसमें अंकुरण निकलने स्टार्ट हो गए हैं। तो 20 घंटे तक रखने के बाद इसमें अंकुरण स्टार्ट हो गया है। अगर आप और पहले रख देंगे तो काफ़ी अच्छा और अंकुरण स्टार्ट होगा। तो अंकुरण निकलने के बाद तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं क्यारी कैसे बनानी है आपको धान की खेती के लिए। भारत में मैक्सिमम छोटे किसान ही हैं, किसी पे 5 बीघे, किसी पे 1 एकड़, किसी पे 2 एकड़ ज़मीन ही है अब, तो वो सिंपल क्यारियाँ बना सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्यारियाँ बनाने के लिए। तो क्यारियाँ बनानी कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। 1 एकड़ के लिए कैसे क्यारी तैयार करनी है, अगर आप 1 एकड़ धान लगाना चाहती हैं तो उसके लिए आप 25x25 की क्यारियाँ बना सकते हैं, यानी 25 फीट लंबी 25 फीट चौड़ी क्यारियाँ तैयार कर सकते हैं। और आपको इस वीडियो में मैं क्यारी जो बना के दिखाने वाला हूँ वो 3 बीघे की ज़मीन के लिए, यानी 3 बीघे मुझे धान लगाना है उसके लिए मैं क्यारी बना रहा हूँ। उसके लिए मैं अपनी लंबाई 15 फीट रख रहा हूँ और चौड़ाई 10 फीट रख रहा हूँ। उस हिसाब से मतलब 15x10 की मैं अपनी क्यारी बना ली है। तो देखिए, मैंने ये 15x10 की क्यारी बनाई है, इस खेत में मुझे अपनी धान लगानी है तो इसी खेत में मैंने अपनी छोटी सी क्यारी बना ली है। और साथ में इसके चारों तरफ मैंने देखिए मेड़ बना दी है ताकि जो पानी हमारा बाहर ना निकले और बाहर से इसमें पानी ना आए। और साथ ही में जब आप क्यारी बना रहे होंगे तो आप अपनी मिट्टी में 1 एकड़ के हिसाब से आप 10 किलोग्राम DAP और 3 किलोग्राम पोटास मिट्टी में मिलाकर इसके अच्छे से गुड़ाई कर दें। तो मैं 3 बीघे के हिसाब से अपनी क्यारी बनाई है तो इसमें मैं 3 किलोग्राम DAP और 1 किलोग्राम पोटास मिला के मैंने इसमें अच्छे से गुड़ाई कर दी है और इसको समतल कर लिया है। क्यारी तैयार करने के बाद अब आपको इसमें अपनी गोबर की डिकम्पोस्ट हुई खाद इसमें डालनी है, चाहे आप DAP या और पोटास के साथ भी अपनी मिट्टी के साथ इसमें मिला सकते हैं, या फिर आप गोबर की खाद को अपनी मिट्टी के ऊपर आधा इंच तक लेयरिंग कर दें उसकी।
तो किसान भाइयों देखिए, मैंने अपनी क्यारी के लिए 50 किलोग्राम खा गोबर की डिकम्पोज हुई खाद ली है। अगर आप एक एकड़ के लिए अपनी क्यारी तैयार की हुई है तो उसके लिए आप 100 किलोग्राम करीब डिकम्पोज हुई गोबर की खाद लें और उसको अपनी मिट्टी के ऊपर डाल दें या फिर उसको मिट्टी के अंदर मिला दें। तो अब मैं जल्दी से अपनी डिकम्पोज हुई गोबर की खाद को अपनी क्यारी में चारों तरफ फैला देता हूँ, और फैलाने के बाद मुझे सिंपल अपनी धान की बीज की बुआई करनी है। बुआई भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। और बीज की बुआई कम से कम 3 बार अपनी क्यारी में करनी है ताकि बीज हमारे हर जगह पर रहे और इससे हमारी पौध काफ़ी अच्छी होगी। तो 3 बार मैं इसमें कम से कम अपनी क्यारी के अंदर अपने बीज को बिखेर देता हूँ। अपने अंकुरित बीज को इसमें मैं डाल देना है, और डालने के बाद क्या करना है, सिंपल जो गोबर की खाद, जो आपकी बची हुई गोबर की खाद होगी, उससे आप इसके ऊपर एक लेयरिंग कर देंगे ताकि जो सीड्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगे और जो इनकी ग्रोथ होगी, पैदावार होगी, वो भी काफ़ी अच्छी होगी, जर्मिनेशन काफ़ी जल्दी होगा इनका। तो इसमें मैं अपनी ऊपर से एक गोबर की लेयर बना देता हूँ ताकि मेरे सीड्स एक जगह रहें। और गोबर की लेयर बनाने के बाद अब मैं इसमें सिंपल पानी चलाना है मुझको, और पानी बहुत धीमे गति में चलाना है, यानी आप तेज पानी चला दीजिए अपनी क्यारी के अंदर, नहीं तो आपके जो बीज हैं वो अपनी जगह से हटके कहीं एक जगह पर जाके इकट्ठा हो जाएंगे। तो पानी बड़े आराम से चलाना है ताकि बीज आपके अपनी जगह पर रहें। तो ये था पहला तरीका जिसमें आपको धान की बीज की बुआई कैसे करनी है। अब आता है दूसरे तरीके में, जो कि आमतौर पर हर किसान यूज करता है। इसके लिए वो अपनी क्यारी में सबसे पहले पानी को भर देता है, पानी को अच्छी तरीके से अपनी क्यारी में भर देता है कि उसकी मिट्टी अच्छी तरीके से गीली हो जाए। उसके बाद अंकुरित हुए धान के बीजों को अपनी क्यारी में 2 से 3 बार बड़े आराम से इसमें डाल देना है ताकि वो हर जगह पे फैल जाए और उससे हमारी पौध भी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा धान के बीज को नहीं डालना है। अगर आपकी ज़्यादा बीज डालेंगे तो पौध आपकी कमज़ोर हो जाएगी और फिर वो बुवाई के लिए अच्छी नहीं होगी। तो ये था दूसरा तरीका जिसमें आमतौर पर हर किसान अपनी धान के बीज की बुआई करता है और उस अपनी नर्सरी को तैयार करता है। तो किसान भाइयों, धान की बीज की नर्सरी तैयार करने के बाद आपको 3 से 4 दिन तक सिर्फ मिट्टी की सतह पर पानी रखना है, और जब अंकुरण 5 सेंटीमीटर का हो जाए तो खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी भर दें, और जैसे पौधे बढ़ता जाए पानी की मात्रा बढ़ाते जाएं। याद रखें, पानी 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना रखें अपनी क्यारी के अंदर, नहीं तो ज़्यादा पानी भर जाने से पौधे अधिक लंबे हो जाएंगे, वह कमज़ोर हो जाते हैं, जिस जो रुपाई के लिए अच्छे नहीं होते। तो आप 5 सेंटीमीटर के लेवल तक का ही पानी अपनी क्यारी के अंदर रखिएगा। और ये तरीका है आपका धान के बीज की क्यारी तैयार करने का, और नर्सरी कैसे तैयार करना है मैं आपको इस वीडियो में पूरा बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में मैंने एक वीडियो भी रेडी की है कि कैसे आप धान की नर्सरी की देखभाल करेंगे और क्या क्या सावधानी बरतनी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं।